सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मानव के शरीर से अतिरिक्त मोटापा कम करने के लिए अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एक नई तकनीक विकसित हुई है, जिसकी जानकारी एनलाइटन के माध्यम से डॉक्टर मोहित भंडारी और डॉक्टर अमित मेडियो ने एक पत्रकार परिषद में दी। तो अभी आप सब लोगों ने मोटापे के बारे में सुना होगा, ओबेसिटी के बारे में सुना होगा, और ओबेसिटी के जो इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए सर्जरी होती है, और इस सर्जरी से मोटापा दूर होता है, बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सर्जरी मोटापे के लिए होती है, ये सर्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनका मोटापा बहुत गंभीर है, इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। माने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिनका बीएमआई 35 से ऊपर है, उन्हीं लोगों के लिए सर्जरी हो सकती है। वैसे लोग जो कि 35 बीएमआई के ऊपर है, वो ये सर्जरी कराते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बीएमआई 25 से 35 के बीच में होता है। देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 35 के बीच में होता है, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जो एलिजिबल नहीं है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 98% लोग जो हैं हमारे देश में, वो इसी एक बीएमआई कैटेगरी के बीच में हैं, 25 से 35। अगर अगर कमरे में मैं सबका बीएमआई कैलकुलेट करूँगा तो नॉर्मल बीएमआई शुड बी लेस देन 25, माने आपका बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। क्योंकि ऑल में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हार्डली 5 या 6 लोगों का बीएमआई 25 से कम निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 25 से 35, 25 to 35 के बीच का जो बीएमआई है, दैट इज ऑल्सो ओबेसिटी और ओवरवेट, और इनसे भी बीमारियाँ होंगी। उसी के लिए जो नया सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो वर्ल्ड में तो बहुत साल से हो रहा था लेकिन अब भारत में आया है, जिसको कि हमारी ये जो साथ में मिलकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बॉडी बनाई, तो हम इसको मिलकर करने वाले हैं, जिसको हमने एनलाइटन का नाम दिया है। और ये भारत में पहली ऐसी एक ग्रुप है हम दोनों का मिलकर जो एक वो है, जिसमें एक बड़े फेमस गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और बेरियाट्रिक सर्जन, मतलब तो मैं सर्जरी करता हूँ मोटापे के लिए, और सर वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने मिलकर ये वो बनाया, जिससे कि उनके पेशेंट को कंपोजिट केयर दी जा सके। और इसमें हम कोई सर्जरी नहीं करने वाले, इसमें एंडोस्कोप के द्वारा हम वही करने वाले हैं। एंडोस्कोप मतलब मुंह के रास्ते डाल के बिना सर्जरी के हम वही करने वाले हैं जो सर्जरी में होता है। सर्जरी अगर किसी ने सुना होगा तो सर्जरी में पेट का आकार छोटा करते हैं, उस पेट को बाहर निकालते हैं, वो सर्जरी होती है। उसमें स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, लीक होता है, उसके तमाम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये बात भी सही है कि उसकी इफेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन जिस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उस चीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। और वो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज जो बीएमआई 25 से 35 है, उसमें सर्जरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए ये सोल्यूशन है, इसको हम बेरियाट्रिक एंडोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें कि हम बिना सर्जरी के मुँह के रास्ते दूरबीन डाल के इसको एंडोस्कोपी के रास्ते पेट का आकार छोटा करते हैं, रिड्यूस द साइज ऑफ स्टमक बाय यूजिंग एन एंडोस्कोपी। दिस प्रोसीजर इज नोन एज एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। तो यही प्रोसीजर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले हैं, और पूरे इंडिया में, बॉम्बे तो एक जगह है, इसके अलावा पूरे इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने वाले हैं, जो ओबेसिटी ही नहीं, डायबिटीज़ का इलाज भी और मोटापे से जुड़ी सभी बीमारियाँ और कोमॉर्बिडिटीज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी नाउ विल बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, बाय एंडोस्कोपी, विच इज़ नोन एज बेरियाट्रिक एंडोस्कोपी, जिसको हम बेरियाट्रिक एंडोस्कोपी कहते हैं, या डायबिटीज़ एंडोस्कोपी, या डायबिटीज़ का इलाज और उससे एसोसिएटेड बीमारियाँ ज्यादा कर देते हैं, नहीं तो उसका बाईपास करते हैं, स्टमक को डायरेक्टली इंटेस्टाइन को जॉइन कर देते हैं। लेकिन ये जो सर्जरीज है वो बेसिकली मॉर्बिड ओबेसिटी के लिए है, और सर्जरी के कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस अगर हुए तो पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है और पेशेंट के जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है
कि इंडिया में यूनिक सिचुएशन है। एक आप ध्यान से सुनो कि मोटापा वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में अलग है। इंडिया में मोटापा यूजुअली सेंट्रल ओबेसिटी होता है, बीच में के पोर्शन में। अगर आप देखेंगे मेल्स, अगर देखेंगे पुरुष, तो उनका मोटे जो पुरुष होते हैं उनका पेट बाहर आया होता है। तो इट इज बेसिकली सेंट्रल ओबेसिटी। एंड इवन लेडीज इफ यू सी, इट इज सेंट्रल ओबेसिटी, नॉट नेसेसरीली एब्डोमेन, नॉट नेसेसरीली टमी, बट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी इट्स बिग। और विसरल फैट ज्यादा होता है इंडियन लोगों में। विसरल फैट का मतलब क्या? अंदर जो ऑर्गन्स है ना, लिवर और बाकी के ऑर्गन्स, उसके आजू बाजू में फैट जाके जम जाते हैं। तो उसके कारण बीएमआई कम होने के बावजूद फैटी लिवर डिजीज, लिवर प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज कैन ऑकर अर्लियर देन वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो ओवरऑल अभी ज्यादा मोटा दिखता नहीं है, लेकिन बीच में का पोर्शन मोटा होता है, ऑर्गन्स के आजू बाजू में फैट जम जाती है और रिस्क बढ़ जाती है। अभी होता है क्या, इंडिया के लोग कौन से भी सर्जरी से डरते हैं, तो 95% मोटे लोग कुछ नहीं करवाते, सर्जरी भी नहीं करवाते और उनको डाइट और एक्सरसाइज जमता नहीं। तो उनके लिए ये जो मिडिल पोर्शन है, उनके लिए ये टाइप की प्रोसीजर जो बिना सर्जरी से करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है उसमें हम कुछ काटते नहीं है, कुछ बाईपास करते नहीं है, इसीलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसीज होती नहीं है, पेशेंट को जिंदगी भर विटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और सर्जरी या प्रोसीजर के बाद में पेशेंट सिक नहीं दिखता, पेशेंट लुक्स लाइक अ हेल्दी पर्सन। अगर बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद में कभी कभी पेशेंट्स को आप देखेंगे तो वो पेशेंट के जैसे लगने लगता है। यह नॉन सर्जिकल वेट लॉस पद्धति सचमुच कारगर साबित हो सकती है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ रोशन गायकवाड़, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।